अमृतसर दी वल्ला सब्जी मंडी विखे जिथे की सब्जी अते फ्रूट दा करोड़ां रुपए दा कारोबार हुंदा है अते दिन रात इत्थे दूसरे राज्यां तों सब्जी अते फ्रूट दे वाहनां दी आवाजाई रोजाना हुंदी है। पर जदों फास्टवेज न्यूज़ टीम ने अज वल्ला सब्जी मंडी विखे दौरा कीता तां इत्थों दे हालात बहुत ही बदतर सन। दुकानां अते शेड दे अगे सड़क नाम दी कोई चीज़ ही नज़र नहीं आउंदी। चारों पासे जिहड़े आउण जाण वाले रस्ते नज़र आउंदे उन्हां उपर बरसाती पानी अते कूड़े नाल रस्ते भरे नज़र आए। उतों के दुकानदारा ते आड़तियां ने इस परेशानी बारे दसदियां आख्या है कि इस मंडी विच सीवरेज सड़कां स्ट्रीट लाइटां दी घाट होण कारण इत्थों दे हालात नरक नालों माड़े हन जिस कारण उन्हां दे कारोबार अते सेहत ते माड़ा असर पै रहा है। अते उन्हां दस्सिया कि बरसाती पानी 24 घंटे खड़ा रहन कारण इत्थों दी काम कर रही लेबर अते दुकानदारां नूं बीमारी दा खतरा बनिया रहिंदा है। इस लई उन्होंने सरकार अते जिला प्रशासन तो मांग की है कि वल्ला मंडी दे हालात सुधारन वाल छेती ध्यान देंदिया इत्थे आ रही मुश्किलों का हल किया जाए अते मंडी दी साफ सफाई वाल खास ध्यान दिता जाए। ये पार्टी है फ्रूट मंडी सब्जी मंडी वल्ला अमृतसर। असीं इत्थे काम कर रहे हैं पिछले 10-15 साल तो साड़ी जिहड़ी पंजाब दी मार्केट फीस है ना वो सारे इंडिया नालों ज़्यादा आ, लेकिन 4% साड़ी मार्केट 2% मार्केट फीस लगती है, लेकिन सानू सहूलतों के ना तो कुछ नहीं मिलता पाया। तो उस तो वड्डी गल है कि सफाई जो सा मूल अधिकार है वो नहीं सानू मिल रहा कि जिमें अं आने तो इतने आड़ती ज़्यादा ने गाह घट ने सफाई ना होने करके कोई भी नहीं आ पा रहा। तो दूसरी चीज़ है कि इतों सारा माल सप्लाई हो रहा सारे अमृतसर में फ्रूट भी तो सब्जी भी, तो वो है कि जे इन्ना गंद इतने पिया आए तो सारा माल शहर सप्लाई हो जाए तो देखो कितनी बीमारियों का घर बन गया है। तो अभी पंजाब सरकार में यही अपील करते हैं कि सानू सफाई दी जाए तो जो सा मूलभूत अधिकार साढ़ा आए कि सानू सफाई मिले। जो पानी जब तक ड्रेनेज नहीं होंगी भी तद तक सानू पाइपा मिलन जिन्ना पानी कढ़ के सानू बाहर दे जब तक ड्रेन नहीं हो पा रही। तो सरकार को चाहिए कि ड्रेनेज करके दे सानू ड्रेनेज सिस्टम बना के दे जो इतने कोई बीमारी ना फैल सके। मक्खी मच्छर बहुत है तो असी काम करने वाले बहुत है लेकिन लैन वाला काम अगों कोई नहीं आ रहा गंदगी करके। जेड़े आ रहे भी वेख के परेशान हो जाते हैं वापस चले जाते हैं। तो इस चीज़ करके थोड़ा जहाँ ध्यान किया जाए तो थोड़ा जहाँ सफाई का सिस्टम चंगा बनाया जाए। ये सब्जी मंडी अपनी अमृतसर की मशहूर जे इतने काम करीदा जे वल्ला मंडी च, पर जो भी है यह वेखो गंदगी का की हाल जे बंदिया इन्ना डेंगू है जे 4-5 बंद बेचारे तो दवाई यही दी है जी भर्ती पई ना जी माड़ी मोटी है असी आड़ती ने अपने कोलों पाई जी इतने तो इन्निया गंद जे इन्ना मच्छर जे पुछो ना यह साड़ी तो पंजाब सरकार से प्लस मार्ग कमेटी के रिक्वेस्ट है कि रोज़ रोज़ सफाई हो जाए। वेखो मंडी से सौदा जरूर है पर गाहक नहीं गा घाट सर इतने वेखो पक्की सड़क नहीं है तो ना सीवरेज सिस्टम जे बस उस हिसाब जे कोलों दे के करा लो तो या किचड़ किचड़ जे या किसी दिन गड्डी आती है चलो एक अद्धी ट्राली चुक लेंगे ने पर एक अद्धी ट्राली किचड़ चुकने सफाई नहीं होनी भाजी। ए पक्का इलाज चाहिए कोई जो गंद मुके इतों मतलब जिन्ना कारोबार भी वधेगा कोई 2-4 गड्डिया फालतू भी आन गिया वेखो ना व्यापारी इतने माल लिया खोज जे आह वेखो यह की हाल बनया वेखो यही किचड़ गंदा पानी साढ़े उपर पैंदा जे तो की हाल है जे प्रॉब्लम सर इतने पहले तो घरों आ के सोची दा कि आप मंडी चले वा मंडी आ कर सू ए गंद अगे विखदा है पहले तो इन्नी क बदबू है साड़ा दिल ही नहीं करता कि मंडी जाइए। दुकान तो निकली दा कोई कस्टमर आके खुश ही नहीं करते आप कितों आना करो फिर भी साड़ा काम है असी तो आना ही है बट यहोजी गंदगी वेख के ना ना साड़ा कोई व्यापारी आके इतने खुश है ना कोई गाहक आके खुश है इन्नी कि बीमारी का कारण हो गया मंडी साड़ी लेबर किन्ने दिन तो बीमार पई दी है वो क्योंकि सारा दिन तो उन्होंने इत्थे रहना है। मेन सीवरेज लाइटा सड़क ये सारे काम होने वाले है सरकार नूं आपां इही कहिंदे कि साडी मंडी भी बाकी मंडियों के वधिया बनाईए जिन्ना इत्थे लेबर आए साडा व्यापारी आए इत्थों दा कारोबार वधे कस्टमर आए वधिया तो वधिया फ्रूट आ गए मार्केट च विके गंदगी करके सारे काम खराब हो गया ने सर साड़ी लेबर सारी बीमार हो गए बैठी है मंडी के पता किन्ने को आड़ती बीमार हो गए आते नहीं पे जिन्ना व्यापारी नहीं आता कारोबार कादा करदे तुसी वेख लिया साडे कारोबार दा हाल अही ते अही कहांगे कि यहाँ के अमृतसर के लोग रोटी या सब्जी ते फ्रूट खाना छड्ड देन यहाँ दे आ मंडी नूं साफ करवा लैन साडे नाल रल के 4% साडी फीस हैगी आ ते सानूं फैसिलिटियां उस हिसाब नाल कुछ भी नहीं हैगियां
ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਾਲ ਭੇਜਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੇਂਗੂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀਜ਼ਨ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਡੇਂਗੂ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਂਗੂ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜਤੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੈਪਰ ਇੱਕ ਚਿਪਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾਇਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵਿਖਾਈਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਸੜਕਾਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ।